लाली तू यहाँ कंचे खेल रही है, तेरी माँ ढूंढ रही है तुझे। अम्मा हे भगवान, अम्मा तो हमसे टमाटर मंगवाई थी, हम तो भूल ही गए। अब तो अम्मा हमारी चटनी बना देगी। ये छोटी तू हमारे कंचे संभाल के रखियो, हम आते हैं। अम्मा ले आई टमाटर। अम्मा वो आज कोई बहाना नहीं सुनेंगे हम तेरा, चल चली जा घर से। अम्मा हम आज कोई बहाना नहीं मारे। अरे हम तो टमाटर लेने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में ना हमको पिंटू मिल गया। अरे पिंटू, अरे गली का वो भूरा कुत्ता नहीं है, उसका नाम ना हमने पिंटू रख दिया। अब उसको ना एक टेम्पो वाले ने इतने जोर की टांग पे मारा कि उसकी पूरी टांग से खून निकलने लग गया। अब अम्मा तुमको तो पता है ना कि खून खराब हमसे देखा नहीं जाता। फिर हमको एक तरफ लेकर गए, उसकी पट्टी की मरहम किया, और अम्मा कसम से जैसे याद आए ना कि तुम टमाटर मंगाइयो, दौड़ के टमाटर लेकर आए तुम्हारे लिए। हाँ अम्मा, अच्छा तो पिंटू की टांग पे पट्टी कर रही थी। नहीं है अम्मा, कंचे पिंटू पूरा। चुप कर, अब सारा दिन ये गोटियां ही खाइयो। लड़कों के साथ पूरा दिन गोटियां खेलती रहती है, किसी काम को हाथ नहीं लगाती। ए अम्मा, लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं खेलते हम। पूरे मोहल्ले में ना कोई एक लड़का दिखा दो जो हमको गोटियों में हरा दे। हाँ, और देखना अम्मा, एक दिन ना तुमको हमारे ऊपर गर्व होगा। हाँ हाँ, वो तो दिख रहा है, कितना नाम रोशन करेगी तू हमारा। लड़कियाँ ना कितनी भी कोशिश कर लें, कभी लड़का नहीं बन सकती। अम्मा ये तो गलत बात हुई ना, तुम एक औरत होके दूसरी औरत को ऐसे बोलोगी तो मर्दों को तो बढ़ावा मिलेगा ही ना। अब एक बात बताओ, हम लड़कियाँ कहाँ किसी लड़के से कम हुई। लड़कियाँ तो वो कर सकती है जो दुनिया का ना कोई मर्द नहीं कर सकता, जैसे बच्चे को जन्म देना। और वो जो मर्द होते हैं उनको भी तो किसी ना किसी औरत ने ही जन्म दिया होगा। तो फिर तुम बताओ, कहाँ हम लड़कियाँ लड़कों से कम हुई। हा? बस कर मेरी माँ, तुझसे ना जीत पाएंगे हम। चल जाके चटनी बना, भूख के मारे आंतड़ियां चिपक गई हैं पेट से। हाँ ये बात हुई ना अम्मा, अब देखना ऐसी चटनी खिलाएंगे ना तुमको, उंगलियां चाटती रह जाओगी मेरी अम्मा। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का। अरे स्कूल जाकर पढ़ती भी है या वहाँ भी गोटियां ही खेलती है। अरे अम्मा, अपने स्कूल के ना सबसे होशियार छात्र हैं हम। पिछले साल ना सबसे ज्यादा नंबर लेकर आए थे, और इस बार भी अव्वल आएंगे, अव्वल। हाँ अरे क्या करेगी अव्वल आकर, किसे घर में जाके तू भी तो चुल्ला ही फूकेगी। अरे क्या अम्मा, तुम ना हमेशा हमारा मोरल डाउन करती रहती हो। देखना पढ़ लिख के ना बढ़िया नौकरी करेंगे और तुमको झोपड़े से निकालेंगे। हाँ बस कर, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि भगवान ने लड़का बनाते बनाते तुझे लड़की बना दिया। लो कर दी ना फिर गलत बात। अरे एक बात बताओ, कुछ बड़ा और अच्छा करना हो तो क्या हमको बेटा बनके पैदा होना पड़ेगा। नहीं एक बात बताओ तुम, अगर कोई बेटा गलती से कुछ बेटी का काम करता तब तो नहीं बोला जाता कि तू हमारा बेटा नहीं बेटी है। नहीं उसमें तो बेटे की शान कम हो जाएगी। हाँ तो फिर लड़कियों को क्यों बोला जाता है, ये तो हमको समझ ही नहीं आता। और लड़का लड़की कुछ नहीं होता, वही दो नाक होते हैं, वही वो दो मुंह होते हैं, वही दो पैर होते हैं, फिर ये भेदभाव क्यों बना रखा है हमको। तो ना अम्मा तुम, लो चली गई। नहीं सच तो किसी को सुनना ही नहीं है, सब बदल जाएगा लेकिन हमारी अम्मा की सोच कभी नहीं बदलेगी। हाँ 7, 8, 9 और ये 10 बस। और क्या, 1 रुपए में पूरी दुनिया खरीदेगा तू। अब देखियो इन्हीं कंचे से ना तेरे सगले कंचे जीत लूंगा। तुझसे अपना पजामा तो संभलता नहीं। डाउन अंडर मैन, कॉमन मैन। दीदी मैन मतलब? मैन मतलब आदमी, और कॉमन मतलब सामान्य। लड़की सामान्य होते हैं, लड़की क्यों नहीं? अरे लड़कियाँ थोड़ी सामान्य होती है, लड़कियाँ तो स्पेशल होती है। स्पेशल मतलब खास, सबसे अलग। दीदी तुम पे इतनी अंग्रेजी कहाँ से आती है, तुम तो हिंदी स्कूल में पढ़ती हो ना। अरे वो दुकान वाले का लड़का है ना, जब वो मास्टर जी के पास अंग्रेजी सीखने जाता है ना तो चुप चुप के हम भी सीख जाते हैं। और देखना जब हम नौकरी करेंगे ना तब कैसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, और तुम दोनों को भी सिखाएंगे। दीदी फिर तो मैं भी अंग्रेजी में बात करूंगा। किशुं, किशुं। चल छोटी आ जा। हे भगवान, एक दिन ये लड़की हमें ऊपर पहुंचाएगी। अरे अम्मा अभी कहाँ, अभी तो तुमको 100 साल और जीना है, और रामकली की शादी अभी तो ठुमके लगाने हैं। अरे रामकली की छोड़, तेरी शादी हो जाए तो बस। अरे अम्मा हम तुमको
अब फिर से अपनी रामायण शुरू मत कर, जा सवेले में जाके सफाई कर ले, और आते हुए सूखे उपले ले आइए थोड़े हमारे लिए। यू गई और यू आई। अरे इधर सुनो, खा लिया इतना गोबर कर दिया। हाँ तो रामकली, आज हम पढ़ेंगे रंगों के नाम। तो काला मतलब ब्लैक, और तुम्हारा रंग क्या हुआ? काला। और तुम्हारे गोबर का रंग क्या हुआ? ग्रीन, मतलब कि हरा। हाँ चलो, अब तुम रंगों के नाम याद करो, हम तुम्हारा गोबर फेंक कर आते हैं। अरे कितनी बार बोला है, थोड़ा कम खाया करो। हैं लाल मतलब रेड, पिंक मतलब गुलाबी, और ब्लू मतलब नहीं, ब्लू मतलब नीला, और ब्लैक मतलब काला। हमें तो सारे रंगों के नाम याद हो गए। पिंक मतलब गुलाबी, नीला मतलब काला, मतलब मतलब। हे भगवान, हम तो भूल ही गए रामकली के पास, हम अपनी कापी भूल गए। हम बिना सब कुछ भूल जाते हैं। अरे दोपहर से शाम हो गई, ये लड़की उपले लेकर नहीं आई कि फिर से तो वहां गोटियां नहीं खेलने लग गई। आज आ लेने दो, आज तो इसकी खैर नहीं, परेशान कर रखा है इस लड़की ने। चल खाना खा ले, पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया तूने। इसमें हमारी क्या गलती थी अम्मा? कोई गलती नहीं, हमने किसी का बलात्कार नहीं किया, फिर हम क्यों मुंह छुपाकर घर में बैठे? क्यों लोग हमें धुतकार रहे हैं? अम्मा, जिन लोगों ने ये गलती की है ना, उन्हें हम सजा दिला के रहेंगे। हम अभी पुलिस में जाएंगे, उनके रिपोर्ट लिखाएंगे। अम्मा, हम उनको सजा जरूर दिलाएंगे। बेटा, अरे बेटा, पुलिस तेरी बात सुनकर उन लड़कों को पकड़ कर फांसी दे देगी, 4 पैसे देके छूट जाएंगे वो। पीछे 3 दिन से मुझ भाई बैठे हैं हम घर में, पानी तक नहीं है हमारे घर में, पुलिस को पता लग गया ना तो वो रहने भी नहीं देगी। नहीं अम्मा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम घर में मुंह छुपाकर बैठे। नहीं बेटा, हम नहीं बेटा। अरे ये क्या कर रही है तू? तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। कोई स्कूल नहीं जाएगी तू, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। अम्मा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे हमें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़े या अपनी जिंदगी खराब करनी पड़े। हम जा रहे हैं। अगर आज तू स्कूल गई ना लाली, तो मेरा मरा मुंह देखेगी। और कब तक चलेगा ये सिलसिला? कभी किसी 3 साल की बच्ची का रेप होता है, तो कभी किसी जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बलात्कारी खुलेआम घूमते हैं और सजा उसे मिलती है जिसका कोई कसूर नहीं होता, और सजा देने वाला कोई और नहीं, हमारा महान समाज है।